दोस्तों, जलपरियों की कहानियां हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई पौराणिक कथाओं में भी जलपरियों का उल्लेख मिलता है। हमारे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की प्राचीन किताबों में भी जलपरियों का उल्लेख मिलता है और उनके देखे जाने की कई सच्ची घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप इन पर यकीन ना करते हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम आपको जलपरियों की कई सच्ची घटनाएं और कैमरे में रिकॉर्ड की गई कुछ असली फुटेज भी दिखाएंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। इजिप्ट की प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव को प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। ये सभी चित्रण ये साबित करते हैं कि जलपरी के बारे में आज के समय के लोग ही नहीं बल्कि प्राचीन समय के लोग भी जानते थे, जो सबूत के तौर पर दीवारों पर इन्हें बनाकर चले गए ताकि आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जान सके। चित्रकला को समझने वालों का मानना है कि मनुष्य के शिकार करने की वजह से ही जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती थीं। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिकन के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय तीन जलपरियों को देखने का दावा किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता, ये काफी प्रसिद्ध और महान समुद्री नाविक थे। उन्होंने अटलांटिक महासागर में बहुत सारी समुद्री यात्राएं की थीं और उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। कोलंबस ने अपने एक लेख में लिखा था कि उनकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जंतु दिखाई दिया था। कोलंबस के इन दावों ने समुद्री विज्ञान के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला है खेत में पाया गया जलपरी का कंकाल। इस कंकाल को डेनमार्क के एक म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखा गया है, जिसे एक किसान ने खोजा था जो अपने खेतों में हल चला रहा था। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों को जलपरी का कंकाल मिला और उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसा ही एक कंकाल और भी है जिसे फिजी मर्मिड के नाम से जाना जाता है, जो जलपरी के होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये घटना है न्यूयॉर्क अमेरिका की। जुलाई 1842 में ब्रिटिश द सीएम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली की जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फ्यूजी आइलैंड से पकड़ा है। यह खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही, और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वो 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने यह मान लिया कि ये वास्तव में एक जलपरी है। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वो जलपरी मुंह मांगी रकम में खरीदनी चाहिए, पर उन्होंने उसे नहीं बेचा। फिर सालों बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के सामने यह जलपरी प्रदर्शित की जानी थी, पर इसके दो दिन पहले ही जहां इस मर्मिट को रखा गया था उस म्यूजियम में आग लग गई। इसके बाद से इस जलपरी को कभी भी नहीं देखा गया, पर कुछ विचारकों का यह मानना था कि यह आग एक सोची समझी चाल थी जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फॉरेंसिक वैज्ञानिक जलपरी जैसे दिखने वाले एक जीव को पानी से बाहर ले जा रहे हैं। ये शायद इसको अपनी लैब में किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे होंगे। तभी काफी दूर से एक आदमी ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। यह घटना कहाँ की है और इसको किसने शूट किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर यह एक फेक घटना है तो इस प्रैंक को सुनसान जगह पर शूट करने की क्या जरूरत पड़ी। और जब वैज्ञानिक की टीम में से कुछ लोग समुद्र के पास ये देखने गए
कि कहीं कुछ सुराख तो नहीं छूट गया, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ये एक असली घटना है। हालांकि इस घटना को काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया और कैमरे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, क्या आप जलपरियों के होने की बात पर यकीन रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर मिले हम आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।